व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, इस धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे धन की आवश्यकता नहीं हो। धन का महत्व कोई नहीं नकार सकता, फिर वो चाहे राजा हो या फिर योगी, दरिद्र हो या फिर हमारे जैसा सामान्य साधारण मनुष्य। और दोस्तों, धन की प्राप्ति सभी के लिए आसान नहीं है। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज कुछ साधनाएं धन प्राप्ति के लिए किया करते थे। कुछ तांत्रिक उपाय धन प्राप्ति के लिए किए जाते रहे हैं और इन्हीं में से एक स्वर्ण यक्षिणी साधना है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण यक्षिणी साधना आदिकाल से हमारे पूर्वज करते आए हैं। स्वर्ण यक्षिणी साधना को विधिवत साध लेने पर साधक आकस्मिक धन की प्राप्ति कर सकता है। और इस साधना को करने के लिए जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं स्वर्ण यक्षिणी साधना को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, साधना की विधि बताने से पहले आपको बता देते हैं कि साधना के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी। इसके लिए आपको पीले रंग के वस्त्र चाहिएंगे, पीले रंग का एक आसन चाहिए, एक बाजोट यानी एक पाटा चाहिए और एक पीले रंग का वस्त्र चाहिए जो आपको बाजोट पर यानी पाटे पर बिछाना होता है। इसके अलावा गुरु धाम से प्राप्त एक मुखी मधु रूपेण रुद्राक्ष चाहिए, गाय के शुद्ध दूध से बना घी चाहिए यानी कि शुद्ध गाय का घी चाहिए, कुछ सुगंधित अगरबत्ती चाहिए, कुमकुम, धूप, लाल रंग के या पीले रंग के पुष्प चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार आपको कुछ मिठाई चाहिए जो आपको प्रसाद या नैवेद्य के रूप में चढ़ाने होते हैं। इसके अलावा आपको एक यक्षिणी माला चाहिए जिससे आप मंत्र का जाप करेंगे। बस यही सारी सामग्री आपको चाहिए और मन में पूर्ण श्रद्धा भाव चाहिए और साधना के लिए तत्परता चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होना आवश्यक है और साथ ही साधना को करने के लिए तत्परता होना भी आवश्यक है। तो यदि ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्वर्ण यक्षिणी साधना को आप किस प्रकार से साध सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्वर्ण यक्षिणी साधना करने की आसान विधि बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, इस साधना को आप किसी भी तरह से मजाक के रूप में ना लें। यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा हो तो ही ये साधना करें। मजाक मजाक में, हंसी खेल में इस साधना का प्रयोग ना करें, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। और दोस्तों, YouTube के नए नियमों के अनुसार सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं स्वर्ण यक्षिणी साधना को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन यह साधना शुरू करनी है। तो किसी भी शुक्रवार की रात्रि को आप स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पीले रंग के वस्त्र धारण करना आवश्यक है, क्योंकि यक्षिणी साधना में पीले रंग के वस्त्रों का महत्व है। तो आप शुक्रवार की रात्रि को स्नान कर लीजिए और फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। कोशिश करिए कि आप जिस पानी से स्नान करें उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए। अब आपको चाहिए एक साधना कक्ष जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको परेशान ना करे, किसी प्रकार की आवाज़ आपका ध्यान ना बटाए। तो साधना कक्ष में आप एक पीले रंग का आसन बिठाकर
उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप आसन लगा के बैठ जाइए और ठीक आपके सामने आप एक बाजोट यानी एक पाटा, लकड़ी का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं चलेगा, बिछा दीजिए, लगा दीजिए और इसके ऊपर एक पीले रंग का नया वस्त्र, यदि रेशमी वस्त्र हो तो काफ़ी अच्छा होगा, पीले रंग का वस्त्र आप बिछा दीजिए और फिर इस पर गुरुधाम से प्राप्त एक मुखी मधु रूपेण रुद्राक्ष की आप स्थापना कीजिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से रुद्राक्ष की स्थापना कीजिए और फिर एक मिट्टी के दीपक में शुद्ध गाय के घी का दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद में सद्गुरुदेव श्री गणपति, प्रथम पूज्य श्री गणपति जी का पूजन करिए और दीपक का पूजन करिए। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप गणपति जी को ही गुरु रूप में स्वीकार करते हुए, मानते हुए गणपति जी का पूजन करके इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो गणपति जी का और दीपक का पूजन करने के बाद पूर्ण श्रद्धा भाव से उन्हें प्रणाम करके इस साधना की सफलता के लिए आशीर्वाद देने के लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में कुमकुम, धूप, सुगंधित पुष्प अर्पण कीजिए। सुगंधित धूप और अगरबत्ती को भी आप प्रज्वलित कर लीजिए और उसके बाद में आपको जो मिठाई आप लेकर आए हैं, नैवेद्य आप लेकर आए हैं, इससे आप रुद्राक्ष का पूजन करके इसे अर्पित कीजिए और फिर आपको यक्षिणी माला से 21 बार मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपको इसी वीडियो में अभी आगे बताया जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको यह मंत्र बता दिया जाएगा। और दोस्तों, इस क्रिया को आपको 11 दिनों तक संपन्न करना है। एक बार शुक्रवार से शुरू करने के बाद लगातार 11 दिनों तक आपको इस क्रिया को संपन्न करना है। इसके पश्चात उस रुद्राक्ष को आपको एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रख देना है और जब भी आपको आकस्मिक धन की आवश्यकता हो, देखिए दोस्तों, इस साधना का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको वास्तव में धन की आवश्यकता हो उसी दिन आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो जिस दिन आपको आकस्मिक धन की आवश्यकता हो, आकस्मिक धन प्राप्ति की आवश्यकता हो, उसके एक दिन पूर्व की रात्रि में आपको 5 माला मंत्र की जाप करनी है और आपको सो जाना है। इसके बाद में आपको कोई काम नहीं करना है, मंत्र जाप करके आपको सो जाना है और रात्रि में आपको स्वप्न में ही वो विधान, वो तरीका आपको यक्षिणी बताएगी जिससे आपको निश्चित ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। यदि आप नित्य एक माला इस मंत्र का जाप सुबह पूजन के समय करते हैं, ध्यान मग्न होकर इस मंत्र का रोजाना जाप करते हैं, तो आपके लक्ष्मी प्राप्ति के नए नए स्रोत खुलते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा भाव का होना आवश्यक है। तो ये मंत्र इस प्रकार से है, ये मंत्र अब आपको बताते हैं। मंत्र है, एम स्वर्ण यक्षिणी मम कार्य सिद्धिम करीम प्रत्यक्षम सिद्धिम स्वर्ण वर्षा एम एम नमः। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी बताया जा रहा है। इस मंत्र को आप शुद्धता से किसी डायरी या पीले रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही से आप लिख लीजिए और इस मंत्र का यक्षिणी माला से जाप करिए। निश्चित ही आपकी साधना सफल होगी, ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए और साथ ही यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।